हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टेक रिलेटेड हैक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी बहुत जो है वो सॉर्टेड हो जाएगी। तो गाइज़ ये जितने भी हैक्स होंगे वो होंगे विंडोज़ डेस्कटॉप से रिलेटेड या आपके फ़ोन से रिलेटेड, बहुत ही सिंपल ईजी वे में मैं आपको बताऊँगा। तो ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसको प्रेस करके, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूँ। तो मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं tech+gadgets.com। लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहला एक फोन से रिलेटेड है। आज के टाइम पे सभी ऑलमोस्ट क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं, तो इसकी एक मैं बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी आप लोगों को बता देता हूँ। जो आप सर्च बार देख रहे हैं, अगर आप इसको स्वाइप करेंगे तो आप एक टैब से दूसरी टैब पे स्वाइप कर सकते हैं। वैसे अगर आप करते हैं तो इसको जो है टैब वाले ऑप्शन को जाके आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन आप स्वाइप करके जो है एक टैब से दूसरे टैब पर जा सकते हैं। मैं इसको कहाँ यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मुझे एक हेडफोन जो है कंपेयर करना है, ये एक सोनी का हेडफोन है। अगर मैं स्वाइप करूँगा तो मुझे यहाँ JBL का हेडफोन दिख जाएगा, तो मैं जो है इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ स्वाइप करके। तो इस तरीके से जो है मैं इस हैक को यूज़ करता हूँ। अगला हैक विंडोज़ से रिलेटेड है। हम सभी लोग जो है इमोजीज़ यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, उसी तरीके से हम जो है विंडोज़ में भी अपने इमोजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको विंडोज़ की और ग्रेटर देन की को एक साथ प्रेस करना है, उसके बाद ये इमोजी का जो है बॉक्स खुल जाएगा और आप कोई भी इमोजी को टैप करके यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजी वे में आप मैसेजिंग ऐप या फिर जीमेल कहीं पर भी इमोजीज़ को जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। इस ऐप का नाम फोटो मैथ है। ये एक स्कैनर ऐप है जो आपके मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम को स्कैन करती है और उसका जो आंसर है वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में देती है। तो भाई ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की है। मैं आपको इसके जो है एक डेमो दिखा देता हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा है, उसको अगर आप टैप करेंगे तो उसके बाद आपको जितने भी स्टेप्स दिख रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये आपको बताएगा और फाइनल आंसर आपको देगा। तो ये ऐप बहुत ही की अगर आप ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक जो है डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, तो आप वहां से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला हैक आपके विंडोज़ के टैब्स को जो है क्लोज होने से बचा सकता है। बाय मिस्टेक कभी कभी आप लोगों से जो है टैब जो है वो क्लोज़ हो जाता है, उसके बाद जो है उसकी इंपॉर्टेंट जो उसमें डिटेल होती है या फिर जो उसके बैक में होता है वो भी सब कुछ चला जाता है। तो उसका भी ईजी वे है लाने का, उसमें आपको कंट्रोल शिफ्ट और टी बटन को एक साथ प्रेस करना है, उसके बाद जो भी जो पेज खुला हुआ था वो वापस से रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ जस्ट आपको वो पेज ही नहीं मिलेगा, उसके बैक में जो भी था वो सब कुछ जो है एज अ हिस्ट्री ये ले लेगा, उसके साथ आप जो है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप अपने क्लोजिंग टैब को जो है वापस ला सकते हैं। अगला हैक शाओमी यूज़र्स के लिए है। अगर आप शाओमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत ही कमाल की चीज़ कर सकते हो। जैसे कि ये चार आइकन है, इसको मुझे दूसरे टैब में डालना है तो मुझे एक एक करके डालना पड़ेगा, लेकिन आप ग्रुप बना के भी जो है इसको मूव कर सकते हो। उसके लिए आपको पिंच इन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है सारे आइकन्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा और किसी एक आइकन पर टैप करना पड़ेगा, तो ये एक टाइप का ग्रुप बन गया है। उसके बाद आपको स्वाइप करके यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देना है, तो उस तरीके से आप मल्टीपल जो है आइकन्स को एक साथ ड्रैग कर सकते हो किसी दूसरे टैब में। तो ये जो है काफ़ी अच्छा फीचर जो है मुझे लगा है। ये हैक आपके विंडोज़ में जितने भी फाइल्स है उससे रिलेटेड है। ऑलमोस्ट जो आपकी फ़ाइल होती है वो सेम होती है किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर में। अगर आपको उस सारी फाइल्स का नाम सेम रखना है, बस सीक्वेंस वगैरह जो है वो चेंज करना है, तो बहुत ही इजी वे में आप वो कर सकते हैं। आपको सारी फाइल्स को सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसको जो है रीनेम कर लेना है। रीनेम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं इस केस में इमेज जो है इसका रीनेम कर देता हूँ, और इमेज रीनेम करने का मैंने एंटर प्रेस किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं सारी फाइल्स का नाम इमेज हो गया है, बस ब्रैकेट में जो है सीक्वेंस पे लिखा आ गया है 1, 2, 3। तो इस तरीके से आप सारी फाइल को जो है शॉर्ट वे में जो है रख सकते हैं। अगला जो मैं हैक बता रहा हूँ उससे आपके पैसे बच सकते हैं। तो भाई अगर आप कोई भी ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हो, जैसे होटल बुकिंग या फिर फ्लाइट बुकिंग, तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र की कुकीज़ को जो है पूरी तरीके से डिलीट कर दीजिए। उससे ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट है जहाँ से आप बुक कर रहे हैं वो आपके कुकीज़ को रीड नहीं कर पाएगा और आपको ओरिजिनल प्राइस देगा। अगर आप नहीं डिलीट करते हैं तो वो जो है आपको कंपेयर करेगा आपके पिछले प्राइस को और उससे ज़्यादा प्राइस आपको देने की कोशिश करेगा। तो आप सिंपली कुकीज़ को डिलीट कर दीजिए। अगर आप कुकीज़ को डिलीट नहीं करना चाहते तो आप सिंपली जो है इनकॉग्नो मोड को ओपन करिए और आप वहाँ जाके अपनी वेबसाइट ओपन करके टिकट बुक कर सकते हैं। तो इससे आपके जो पैसे हैं काफ़ी ज़्यादा बचने वाले हैं।
अगला हैक बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको डायरेक्टली डेस्कटॉप पे कोई फाइल को चेक करना है तो सबसे पहले आपको सारी फाइल्स को पहले मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके आप डेस्कटॉप पे चेक करेंगे। मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बता देता हूँ। जैसे आप इस फाइल में हैं और आपको डेस्कटॉप की कोई फाइल को चेक करना है, देखना है कि वो फाइल उधर है कि नहीं, तो आपको बस विंडोज़ और लेस देन वाली की को दबा के रखना है और आप फटाफट से जाके अपने डेस्कटॉप पे वो फाइल को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वापस से उसी फोल्डर पे आना है तो बस आपको विंडोज़ बटन को छोड़ देना है और ये जो है आप उसी पर्टिकुलर फोल्डर पे आ जाएंगे। तो ये हैक जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इससे आप बहुत सारे केओस से बच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जितने भी मैंने हैक्स बताए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक जरूर दीजिए इस वीडियो पे और कमेंट करिए कि आपका सबसे फेवरेट हैक इनमें से कौन सा था। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।